Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Once upon a time, in the mystical underwater kingdom of Atlantia, there lived a young boy named Arthur. Arthur was unlike any other child in the kingdom, for he possessed a special gift. He could communicate with sea creatures and harness the power of the ocean. From a young age, Arthur felt a deep connection to the underwater world. He would spend hours exploring the coral reefs, swimming alongside colorful fish, and playing with friendly dolphins. तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की किड्स स्टोरीज बना के YouTube से अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टेप वन, सबसे पहले आपको स्टोरी क्रिएट करने के लिए स्टोरी का स्क्रिप्ट चाहिए होगा, तो ये काम आप सिंपली ChatGPT या गूगल बार्ड से कर सकते हैं। जब आपके पास स्टोरी का स्क्रिप्ट आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप है इस टूल से वीडियो बनाने का। तो उसके लिए गूगल सर्च बार में आपने लिखना है artflow.ai और एंटर कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस इसका आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे अपना साइन अप क्रिएट कर लेना है। जब आपका साइन अप बन जाए तो आपने स्टोरी के रिलेटेड इमेजेस जनरेट करने के लिए यहाँ इमेज स्टूडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी रिक्वायर्ड इमेज के लिए साइज सिलेक्ट कर लेना है और यूट्यूब वीडियो के लिए आपने 3:2 वाला साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपनी रिक्वायर्ड इमेज के लिए ChatGPT से अपनी स्टोरी के स्क्रिप्ट की पहली दो लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस फ्लो वाले बटन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको आपके प्रॉम्प्ट के रिलेटेड 4 इमेजेस जनरेट कर देगा। और आपने यही सेम प्रोसेस अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए करना है और बाकी की इमेजेस भी जनरेट कर लेनी है। जब आप स्टोरी के रिलेटेड सारी इमेजेस जनरेट कर लें, अब नेक्स्ट स्टेप है इनको यूज करके वीडियो बनाने का। तो इसके लिए आपने यहाँ वीडियो स्टूडियो पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे जिनसे आप अपनी स्टोरी के लिए सीन, करेक्टर, डायलॉग और ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सीन वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो आपने स्टोरी के लिए इमेजेस जनरेट की हैं, उनसे कोई चूज करके अपनी स्टोरी का पहला सीन क्रिएट कर लेना है। स्टोरी का पहला सीन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेक्टर वाले बटन पे क्लिक करना है और अपनी मर्जी का कोई भी करेक्टर चूज कर लेना है और इस करेक्टर की प्लेसमेंट और साइज अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेनी है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने डायलॉग वाले बटन पे क्लिक करके वॉइस ओवर भी जनरेट करना है। तो उसके लिए आपने ChatGPT से अपनी स्टोरी का पहला पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। अब लेफ्ट साइड में मौजूद वॉइस एक्टर में से अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग वॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है और इसको प्रीव्यू करके जरूर सुन लेना है। अब नेक्स्ट आपने इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके अपनी चॉइस के मुताबिक इफेक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है जो आप सीन में चाहते हो। तो गाइज, यहाँ तक हमारी स्टोरी का पहला सीन क्रिएट हो चुका है। अब आपने स्टोरी के लिए नेक्स्ट सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट सीन को कॉपी कर लेना है और फिर इसको एडिट करके इसमें टेक्स्ट और इमेजेस को स्टोरी के नेक्स्ट पैराग्राफ के मुताबिक चेंज कर लेना है। इसी तरह कॉपी पेस्ट करके आप अपनी स्टोरी के दूसरे सीन भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जब आप स्टोरी के सारे सीन क्रिएट कर लें, यहाँ एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो को कोई टाइटल देना है और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है और ये कुछ ही टाइम लेगा, आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी। अब आपने डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड CC वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। एक चीज और मैं इस टूल के बारे में बताता चलूं, इस टूल से आप 20 सीन की स्टोरी जनरेट कर सकते हैं, वो 4-5 मिनट की बनेगी। एक फुल स्टोरी तो आप इस टूल से बना ही लोगे। जब ये 20 सीन वाला क्रेडिट खत्म हो जाए तो आपने एक टेम्परेरी ईमेल बना के दोबारा साइन अप करके न्यू वीडियो क्रिएट कर ले। तो गाइज, कमेंट में जरूर बताना ये टूल आपको कैसा लगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।